LHB, CTBU के इनर डायमीटर 3 लेग पीस माइक्रोमीटर द्वारा चेक कर लिया जाता है। माइक्रोमीटर के द्वारा एक्सल जर्नल का डायमीटर 3 जगह पर चेक किया जाता है। इसके पश्चात गो नो गो प्लग गेज की सहायता से एक्सल एंड होल्स की साइज चेक की जाती है। वर्नियर कैलिबर की सहायता से डिस्क ब्रेक की विड्थ मेजर की जाती है। एक्सल एंड पर स्टाफ द्वारा एक्सटेंशन एडाप्टर को एलन बोल्ट की सहायता से लगाया जाता है। एक्सल जर्नल पर मिनरल ऑयल या कैस्टर ऑयल लगाया जाता है। इसके बाद CTBU को एक्सटेंशन एडाप्टर पर रखा जाता है तथा प्रेशर देने से पूर्व हाइड्रोलिक प्रेस मशीन एवं व्हील की सेंटर लाइन मैच की जाती है। हाइड्रोलिक प्रेस मशीन द्वारा प्रेशर अप्लाई किया जाता है, साथ ही साथ स्टाफ द्वारा बेरिंग को घुमाया भी जाता है। स्केल के द्वारा ये चेक किया जाता है कि बेरिंग पूरा फिट हुआ है या नहीं। बेरिंग फिट होने के पश्चात प्रेस मशीन को हटा लिया जाता है तथा एक्सटेंशन एडाप्टर को खोल लिया जाता है। बेरिंग फिट होने के पश्चात एक्सल एंड पर सिक्योरिटी डिस्क एवं सिक्योरिटी प्लेट 3 बोल्ट की सहायता से लगाया जाता है। तीनों M20 बोल्ट को टॉर्क रेंच की सहायता से 200 न्यूटन मीटर टॉर्क पर टाइट किया जाता है। इसके पश्चात सीजल एवं हैमर की सहायता से सिक्योरिटी प्लेट के टैब को बेंड किया जाता है एवं यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर बार नई सिक्योरिटी प्लेट ही उपयोग में लाई जाए। इस असेंबली के बाद M8 बोल्ट की सहायता से फोनिक गियर को फिट किया जाता है। फोनिक गियर को फिट करने के लिए टॉर्क रेंच से 21 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगाया जाता है।